यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी फोर ऐप से कॉल करें, डाउनलोड करें कॉल मी फोर ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। जय श्री महाकाल। कई बार इंसान अनजाने में ऐसी गलतियां करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए, तो कुछ ऐसी ही गलतियों के विषय में आज बताने वाला हूं। जो गलतियां व्यक्ति को घोर पाप की ओर अग्रसर करती हैं और इसके बाद व्यक्ति के जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं और इसके साथ ही उसकी आध्यात्मिक गति भी पूर्ण तरीके से क्षय होने लगती है यानी नष्ट होने लगती है। तो शुरुआत करता हूं महिलाओं से, महिलाओं की एक गलती जो वो अनजाने में करती हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो किसी इष्ट के प्रति इतना अधिक प्रेम रखती हैं कि वो भूल जाती हैं कि आखिर जो वो निर्णय ले रही हैं या जो वो सोच रही हैं वो सही है या गलत है, और यही स्थिति उनकी अनजाने में उनसे एक बहुत बड़ा पाप भी करवाती है। कुछ महिलाएं या लड़कियां शिव जी की इतनी उपासना करती हैं, इतना अधिक प्रेम करने लगती हैं भोलेनाथ से कि उनके अंदर एक अभिलाषा प्रकट होने लगती है कि शिव उन्हें पति रूप में मिले, और बस यहीं से ही अनजाने में उनके जीवन में पाप उदय होता है यानी कि वो पाप कर लेती हैं। कुछ महिलाएं या कुछ लड़कियां या स्त्रियां कृष्ण जी के प्रति इतना ज़्यादा प्रेम रखती हैं कि वो कृष्ण जी को पति रूप में पाने की ख्वाहिश रखने लगती हैं, और यहीं से ही उनके पाप का उदय होता है। क्यों होता है उदय, ये भी बता देता हूँ, क्योंकि मेरा कार्य है रहस्यों पर शोध करना, और रहस्य ये कहते हैं कि उस स्थिति को देखने की कोशिश करना जिसको कोई अन्य ना देखे। तो ये स्थिति ऐसी है कि कोई महिला, कोई लड़की, कोई स्त्री शिवजी के लिए अगर ऐसे भाव रखती है कि शिवजी उसे पति रूप में मिले तो ये पूर्णतः गलत है। कृष्ण जी के प्रति ऐसे भाव रखती है कि कृष्ण जी उसे पति रूप में मिले तो ये भी पूर्णतः गलत है। क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है क्योंकि क्या कोई बच्ची या कोई लड़की अपने पिता से ही शादी करना चाहेगी या ये चाहेगी कि वो अपने दादाजी से या पिताजी से शादी कर ले, या उसके दादाजी या पिताजी उसके पति रूप में आए? ये सर्वदा अनुचित है, पूरी तरीके से ही अनुचित है। वो जगत पिता है, भोलेनाथ शिव जगत पिता है, वो किसी के पति नहीं है। उनकी पत्नी का हक सिर्फ माँ आदि शक्ति को है। शिव की पत्नी रूप में जो शक्ति है वो सिर्फ आदि शक्ति माँ भगवती हैं। किसी अन्य स्त्री में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो उनकी पत्नी बन जाए, और सारी स्त्रियाँ इस जगत की सारी स्त्रियाँ उनकी पुत्री समान हैं। तो बस यही अभिलाषा उस स्त्री को जो ये ख्वाहिश रखती है पाप करवाती है, और अनजाने में वो ये पाप कर लेती है। सोचना भी पाप है, फिर तो वो तो ख्वाबों का घरौंदा बनाने लगती है। और इसी तरीके से ही कृष्ण जी के लिए, कृष्ण जी को विष्णु जी का अवतार माना जाता है, विष्णु जी जगत के पालन करता है, वो भी एक तरीके से पिता ही हैं, सभी के पिता हैं, प्रत्येक मनुष्य के पिता हैं, जनक हैं, क्योंकि वो महाशक्ति हैं।
तो जब कोई स्त्री अगर उन्हें पति रूप में मांगती है तो वो भी तो पाप है। अब कोई यहाँ पे अगर मीरा का प्रकरण उठाए कि मीरा जी ने भी तो मांगा था, तो मीरा के भाव वाला प्रेम और पत्नी में बहुत फर्क होता है। प्रेम किसी से भी हो सकता है लेकिन पत्नी का दर्जा अलग होता है। मीरा जी कृष्ण जी से बहुत प्रेम करती थी लेकिन वो पत्नी का दर्जा नहीं मांगती थी। प्रेम को उनके लोगों ने परिभाषित किया और उसकी अलग अलग स्थितियां प्रकट की। प्रेम निष्पक्ष होता है, प्रेम किसी से भी हो सकता है, पिता पुत्री का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, अटूट हो सकता है, जीवन को त्यागने वाला हो सकता है, सर्वस्व में यानी हर तरफ वही शख्स नजर आए ऐसा भी हो सकता है। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है। लेकिन हम क्या उचित कर रहे हैं, हम क्या अनुचित कर रहे हैं, हमें इस चीज का बोध होना चाहिए। तो अक्सर इंसान ये गलतियां जीवन में करता है और इन गलतियों को करने के कारण व्यक्ति के जीवन में दुख भी प्रकट होते हैं। तो इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है। अब बात करता हूं गुरु की। कहना नहीं चाहिए लेकिन ये हकीकत है। कुछ लड़कियां, कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो गुरु को बना लेती हैं, गुरु को बनाने के बाद उन्हें गुरु पिता भी बोलती हैं, लेकिन गुरु पिता बोलने के बाद भी उनके अंदर एक गलत भाव होता है, एक गलत सोच होती है। वो गुरु को गुरु की नज़रिए से नहीं देखती हैं, उनके अंदर एक गलत भाव होता है। सभी ऐसे नहीं होते हैं लेकिन कुछ हैं ऐसे, और वो भी घोर पाप में जाते हैं। उनकी कभी मुक्ति नहीं होनी है, कभी मोक्ष के पात्र नहीं बन पाते हैं वो लोग। और ऐसे ही कुछ शिष्य होते हैं जो शिष्य गुरु पत्नी के ऊपर नज़र रखते हैं, यानी अपनी गुरु माँ के ऊपर गलत नज़र रखते हैं या ऐसी अभिलाषा रखते हैं कि वो उनकी पत्नी बन जाए या फिर वो उनसे समागम करें। वो भी घोर पातकी होते हैं और नरक के हकदार होते हैं और उनके जीवन में भी दुख प्रकट होते हैं। गुरु शिष्य का संबंध एक पिता पुत्र पिता पुत्री जैसा है। यदि इस संबंध में दोष उत्पन्न होने लगे तो जिसके तरफ से दोष उत्पन्न होते हैं निश्चय ही वो नरकगामी है। और यही स्थिति गुरु के लिए भी है। यदि कोई गुरु अपनी शिष्या के ऊपर गंदी नज़र रखता है, अश्लील विचारों को सोचता है और बेटी संबोधन बोल के उसको छूने की कोशिश करता है, निश्चय ही वो गुरु पद पे आसीत व्यक्ति के अंदर बैठी हुई जीवात्मा घोर नरक की हकदार है और उसे उसी जीवन में, जिस जीवन में वो गुरु पद पे आसीत है उसी जीवन में ही उसको दंड मिलता है। तो ये जो कुछ गलतियां हैं इनको यदि व्यक्ति समझ ले तो सफल हो सकता है आध्यात्मिक जीवन में, सफल हो सकता है अपने भौतिक जीवन में, क्योंकि चरित्र बल होना बहुत ज़रूरी है। और हमें गलती से भी वो गलती नहीं करनी चाहिए जो अनुचित है। माँ आदिशक्ति जगत जननी है, वो किसी की पत्नी नहीं हो सकती है। उनके पत्नी रूप में मांगने का जो व्यक्ति विचार रखता है उसको निश्चय ही सिर्फ और सिर्फ मृत्यु दंड मिलता है। तमाम राक्षसों का उदाहरण देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे राक्षस हुए, कुछ असुर हुए। राक्षस और असुर और दैत्य ये तीनों ही अलग हैं। जिन्होंने ये अभिलाषा रखी वो माँ आदिशक्ति को, वो माँ भगवती को, माँ पार्वती को अपनी पत्नी रूप में पाना चाहते थे और यही ख्वाहिश उनकी उनके मृत्यु का कारण बनी। तो यह ख्वाहिश निश्चय ही अनुचित है। जो स्त्रियाँ शिव को पति रूप में मानती हैं, शिव को पति रूप में प्रेम करती हैं, तो वो ये छोड़ दें, क्योंकि वो एक तरीके से अपनी माँ यानी जगत जननी आदिशक्ति की स्वतन बनने की तैयारी कर रही हैं और यह निश्चय ही उनके जीवन में दुखों को प्रकट करेगा। तो समझें, रिश्तों की कदर करें और समझें जगत पिता के बारे में और हर उस दृष्टिकोण से और अपने विवेक से कार्य लें कि जीवन में क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। तभी आप आध्यात्मिक जीवन में सफल हो पाएंगे, तभी आप भौतिक जीवन में सफल हो पाएंगे,
जब आप दृढ़ संकल्पी बन जाएंगे, आपके विचार स्वच्छ होंगे और हर उस आप दृष्टिकोण से देख सकेंगे सत्यता को जो अन्य नहीं देख पा रहे, तब आप सफल हो जाएंगे जीवन में। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी अनलाइक कीजिए। चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं अच्छा लगता है अनसब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे मर्जी वैसे कीजिए। जय श्री महाकाल।